दोस्तों, मैं विजय विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। चलिए मित्रों, आज चलते हैं अपने अगले लेक्चर की ओर और बिल्कुल एक नया टॉपिक आपके लिए, चर्चा के लिए आज हम लेकर के आए हैं, जिसका नाम है छंद। देखिए मित्रों, आपको एक बात बड़े अच्छे से बता दूं, और ये हमारे चंद्रा इंस्टीट्यूट की खासियत है, हम कोई भी वह पॉइंट छोड़ना नहीं चाहते जहां से आपका एक भी प्रश्न कम हो सकता हो। हमारा पूरा उद्देश्य है कि बिल्कुल 30 में 30 नंबर कवर कराना है। छंद एक ऐसा टॉपिक है, कई बार क्या करता है, डायरेक्ट सिलेबस में न लिख कर इसे लिख नहीं देते ना, लेकिन यह वो टॉपिक है जिसे पूछा ही पूछा जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कई बार इसे सीधा सिलेबस में न लिख करके जो है देता नहीं है सिलेबस में, लेकिन यहाँ से प्रश्न लगातार टेट में आते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए मित्रों, चर्चा करते हैं छंद की, और बड़ी ही रोचक चर्चा। और यही नहीं, एक बात आपसे जरूर कहें मित्रों, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा, गारंटी से कहता हूँ, छंद पढ़ने नहीं पढ़ाने लायक हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले एक सबसे खास बात, जो हम पिछले वीडियो से लगातार कर रहे हैं, हम पहले कुछ देर के लिए हटेंगे, ये पूरा का पूरा लिखा मैटर आपको स्पष्ट दिखाया जाएगा, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। तो पहले आप यह प्रक्रिया पूरी करें, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट अब लेने का वो हो गया आपके पास, अब स्क्रीनशॉट लेकर के इसका अच्छा सा नोट्स बनाइए, और ध्यान रखिए छंद से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बार बार देखा होगा, पूछ लेता है चौपाई चरण के, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, निम्न में कौन सम मात्रिक छंद है नहीं है, इस तरह के प्रश्न लगातार टेट में पूछे जाते रहे हैं। टेट, सुपर टेट, हर दृष्टि से ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए चलते हैं छंद की ओर। मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं छंद की परिभाषा क्या है। देखिए मित्रों, छंद की परिभाषा के लिए कहते हैं, यति गति तुक चरण आदि से नियोजित रचना को छंद कहते हैं। यति गति तुक चरण आदि से नियोजित। देखिए, कविताएं दो तरह से लिखी जाती हैं। एक कविता वो होती है, जैसे आप पढ़ते होंगे, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती, मतलब इस तरह की कविताएं जिसमें पता ही नहीं चलता कि गद्य पढ़ रहे हैं कि पद्य पढ़ रहे हैं। और कुछ कविताएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पढ़ते समय ये लगता है कि हाँ, कविता पढ़ी जा रही है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। एक कविता ये भी है जिसे हम आसानी से गा करके, जिसे आसानी से लय में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है मित्रों, याद रखें, काव्य के दो रूप होते हैं, एक रूप होता है जिसमें छंद का प्रयोग नहीं होता, और दूसरा वो होता है जिसमें छंद होता है। तो जिसमें छंद होता है उसमें कुछ नियमों को ध्यान में रख करके जो है ये कार्य करना पड़ता है। वो नियम है यति गति तुक चरण आदि। इसीलिए कहा गया कि यति गति तुक चरण आदि से नियोजित रचना को, मतलब जिनमें ये हो उसे छंद कहा जाता है। तो अब पहली चर्चा हम इन्हीं पर करेंगे, छंद के पारिभाषिक शब्द।
आइए देखते हैं जिन छन जिन शब्दों की हमने यहाँ बात की, यति गति तुक चरण आदि, इनको देखते हैं कि इन छन इन शब्दों का अर्थ क्या है। आइए सबसे पहले लेते हैं यति। यति को एकदम एक बार में स्पष्ट कर दिया गया, लिखा गया यति बराबर विराम। विराम अर्थात रुकना। किसी भी छंद को पढ़ते समय हमें जहाँ रुकना होता है उसे यति कहते हैं। छंद को पढ़ते समय जहाँ रुकना होता है, जैसे देखिए हमने यहाँ एक छंद की दो पंक्तियाँ लिखी हैं और जरा गौर करें, देखी सुदामा की दीन दशा। अब देखिए यहाँ विराम लगा है, विराम लगा इसका मतलब हमें यहाँ रुकना है, और रुकना है तो ये क्या हो गई, यति हो गई। तो यति माने जहाँ रुकना है, जैसे ये इसकी पहली यति है। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ते समय हम पहली बार यहाँ रुकेंगे। देखी सुदामा की दीन दशा पर। दूसरा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब देखिए यहाँ पूर्ण विराम लगा है, इसका मतलब हमें यहाँ भी रुकना है, तो दूसरी यति हमारी ये हो गई। फिर क्या कह रहे हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। फिर यहाँ विराम लगा है, इसका मतलब हमें यहाँ भी रुकना है, तो ये हमारी तीसरी यति हो गई। नयनन के जल सो पग धोए। अब फिर यहाँ पूर्ण विराम लगा है, इसका मतलब हमें यहाँ भी रुकना है, तो ये चौथी यति हो गई। इस तरह से इन दो पंक्तियों में कुल चार यति का प्रयोग किया गया, हमें चार जगह रुकना है। तो उम्मीद करता हूँ आप यति बेहतर समझे होंगे। किसी भी छंद को पढ़ते समय जहाँ विराम चिन्ह आ जाए, जहाँ रुकना पड़े, समझ लीजिए वही क्या है, यति है। आगे चलते हैं गति की ओर। देखिए गति को ब्रैकेट में लय लिखा, अब आप बेहतर समझ सकते हैं इस बात को। लोग कहते हैं कि अरे भाई आप लय से गाइए। लय का मतलब ये है कि किसी छंद को पढ़ते समय जो उतार चढ़ाव होता है, उसको पढ़ने में पढ़ने का उसको जो तरीका होता है, हर छंद को एक तरह से नहीं पढ़ा जा सकता, तो छंद को पढ़ने का जो तरीका होता है उसे लय कहते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, देखिएगा कि कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ये क्या है, ये चौपाई छंद को पढ़ने का तरीका है। लेकिन हम इसी तरह से हम सोठा को जो है नहीं पढ़ सकते। सोठा को हम कैसे पढ़ते हैं, कपिकरी हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीन हरसी उठकर गहेऊ। अब देखिए पहले छंद को पढ़ने और दूसरे छंद को पढ़ने के तरीके में अंतर हो गया कि नहीं, तो इसी को कहते हैं लय। लय माने किसी छंद को पढ़ने का जो तरीका है, जो उतार चढ़ाव है। ये पंक्ति जब मैंने आपको पढ़ी, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। अब यहाँ देखिए, देखी को हमने जल्दी पढ़ा, ये लघु है, तो इस तरह से बाकी हमने सुदामा को दीन दशा, दीन को तेज जो है ज़्यादा समय देकर पढ़ा। तो किसी भी छंद को पढ़ते समय जो उतार चढ़ाव होता है, उसको जो पढ़ने का तरीका होता है, उसी को कहते हैं गतिया लय। आइए तीसरी तरफ चलते हैं, तुक। तुक का मतलब क्या है, देखिए तुक कहते हैं मित्रों, बड़ा स्पष्ट मैंने लिखा है, जब दो शब्द बोलने एवं सुनने में एक जैसे लगते हैं तो उन्हें तुक कहते हैं। बोलने एवं सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे हारी बिहारी है कि नहीं, इसी तरह से जो है अंग रंग ढंग ना, ये क्या है, ये वे शब्द हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं और सुनने में भी एक जैसे लगते हैं। तो जो शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। अच्छा अब एक बात और भी ध्यान दें, जैसे देखें हमने यहाँ लिया है ना, जरा इस पंक्ति को देखें, यहाँ है रोए और यहाँ है धोए। अब देखिए रोए और धोए ये दोनों कैसे लग रहे हैं, बोलने और सुनने में बिल्कुल एक जैसे, इसका मतलब इनमें तुक समान। अगर यही एक जैसे न लगते तो तुक समान
नहीं होता, ठीक। लेकिन एक बात और ध्यान रखें मित्रों, अगर केवल एक पंक्ति की कविता है, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये केवल एक लाइन में है, तो एक पंक्ति में जहाँ यति होगी उसके पहले वाले शब्द को दूसरी यति के पहले वाले शब्द से तुक मिलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि कविता में आया कोई भी शब्द किसी के समान बोलने सुनने में लगे तो हम कह दें इसमें तुक है, नहीं। तुक हमेशा यति के यति पर निर्भर करता है। पहली यति अगर केवल एक पंक्ति की कविता है तो पहली यति के पहले का शब्द दूसरी यति के पहले के शब्द के साथ यदि बोलने सुनने में एक जैसा लगता है तो समझिए वहाँ तुक है, अन्यथा नहीं है। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी पहली यति लगती है, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दूसरी यति लगती है। एक लाइन का ये एक लाइन की चौपाई है, ये एक पंक्ति की चौपाई है, और यति के पहले हारी आया है, दूसरी यति के पहले बिहारी आया है, ये बोलने और सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, अर्थात यहाँ तुक है। लेकिन यदि कविता एक पंक्ति से ज़्यादा की है, दो पंक्ति की है, चार पंक्ति की है, तो जो पहली जो पंक्ति का अंतिम शब्द होगा, जैसे देखिए इस पहली पंक्ति का अंतिम शब्द है रोए और इस दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है धोए, तो जब कविता एक पंक्ति से ज़्यादा की होगी तो पंक्ति के अंतिम शब्द यदि बोलने सुनने में एक जैसे लगें तो समझ लीजिएगा वहाँ तुक है। जैसे ये एक पंक्ति से ज़्यादा की कविता है तो इसमें अंतिम शब्द है पहली पंक्ति का रोए और दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है धोए, तो रोए और धोए बोलने और सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, अर्थात यहाँ तुक है। चलिए आइए चलते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर। मित्रों इसे ज़रा गौर से समझिएगा, ये वास्तव में थोड़ा सा कठिन सब वो है, लेकिन हम बड़े आसानी से चित्र के द्वारा आपको समझा देंगे। यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा मित्रों, इसे कहते हैं अगली इकाई है पाद या चरण। पाद या चरण किसे कहते हैं? किसी छंद में यति के पूर्व के भाग को, मतलब जहां यति लगी उस यति के पहले के भाग को पाद या चरण कहते हैं। लेकिन अब यहां गौर करें कि दो चरण दो तरह से बनता है, कहीं कहीं ऐसे बनता है, जैसे देखिए ये हमने पहला तरीका बनाया है, इसमें देखिए यहां पहली यति है, यहां दूसरी यति है, ये यहाँ तीसरी यति है और यहाँ चौथी यति है। अब पहली यति के पहले के भाग को एक पहला चरण, दूसरी यति के, क्योंकि हमने यही बात तो कही परिभाषा में कि यति के पहले के भाग को पाद या चरण कहते हैं, तो ये पहली यति है तो पहली यति के पहले के भाग को पहला चरण, दूसरी यति के पहले के भाग को दूसरा चरण, तीसरी यति के पहले के भाग को तीसरा चरण और चौथी यति के पहले के भाग को चौथा चरण। तो इस तरह से इसमें दो पंक्ति में चार चरण बन। लेकिन यति बनाने का एक दूसरा सॉरी चरण बनाने का एक दूसरा तरीका भी होता है मित्रों, जहां पूरी पंक्ति का एक चरण होता है, बीच में यति तो आती है लेकिन यति से पहले के भाग का एक चरण नहीं होता, पूरी पंक्ति का एक चरण होता है। देखिए जहां पूरी पंक्ति का एक चरण होता है, बीच की यति केवल लय बनाने के लिए आती है। जैसे यहां देखें हमने चार पंक्तियां बनाई हैं, पहली यति यहां है, दूसरी यहां, तीसरी चौथी पचहीं छठहीं सतहीं और अठहीं, लेकिन इस पहली यति के पहले के भाग को पहला चरण नहीं कह रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक की पूरी पंक्ति को पहला चरण कहते हैं, दूसरी पंक्ति को दूसरा चरण, तीसरी को तीसरा और चौथी को चौथा। तो गौर करें चरण, यही चीज विशेष फिर से एक बार समझाता हूं, गौर करें कि चरण दो तरह से बनते हैं, कहीं कहीं पहली यति के पूर्व के भाग को ही प्रत्येक यति के पहले के भाग को एक एक चरण मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं यति बीच में आती तो है लेकिन पूरी पंक्ति को एक एक चरण माना जाता है। अब आपके दिमाग में तुरंत यह प्रश्न उठा होगा कि हम ये कैसे जानेंगे कि कहां यति के पूर्व भाग को एक चरण मानना है और कहां पूरे को एक चरण मानना है? तो बिल्कुल ना परेशान हो, जब हम छंद में चलेंगे वहां आपको मैं बता दूंगा कि कैसे कहां आपको कहां यति के प्रत्येक यति के पहले भाग को एक चरण मानना है और कहां पूरी पंक्ति को एक चरण मानना है। बस केवल दो बातें यही जान लीजिए कि यति जो है चरण दो प्रकार से बनते हैं। अब चलते हैं छंद के प्राण की ओर। बिल्कुल मित्रों,
छंद का प्राण है छंद की मात्रा गणना। और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझिएगा, अगर गिनने नहीं गिनाने लायक ना बना दूं तो बताना आप, बिल्कुल पढ़ाने लायक कर दूंगा आपको छंद की, आप दूसरे को पढ़ा दोगे कि हाँ इसे आओ हम बताते हैं ऐसे होता है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए। चलिए चलते हैं छंद की मात्रा गणना। देखिए जब भी हम छंद का निर्धारण करते हैं, ये दोहा है, ये रोला है, ये चौपाई है, ये सोठा है, तो क्या करते हैं, पहले फटाफट मात्रा गिनते हैं और मात्रा गणना के आधार पर उसका लक्षण निर्धारित करके बता देते हैं। तो वो मात्रा गिनी कैसे जाती है, शुरू करते हैं छंद की मात्रा गणना। सबसे पहले शुरू करते हैं स्वर की मात्रा गणना। देखिए हम इसमें स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटकर मात्रा गिनेंगे, तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्वर की मात्रा गणना। छंद की दृष्टि से स्वर दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो व्युत्पत्ति वहां आपने देखा होगा पहले चैप्टर में, किस जो है मात्रा की दृष्टि से छंद तीन प्रकार के थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन यहां छंद में स्वर केवल दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यहां प्लुत स्वर नहीं होता। ठीक, तो ह्रस्व स्वर आप जानते हैं, पहले भी इस बात को आप जो है व्याकरण में पढ़ चुके हैं, ह्रस्व माने छोटा ना, और वर जो है मात्रा का मतलब क्या है, स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, और ह्रस्व माने कम या छोटा। तो सीधा सीधा निकल गया, जिस स्वर के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, सबसे कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और कौन कौन से हैं, अ ई उ ऋ, ये चारों क्या हैं, ह्रस्व स्वर। ओके, अ ई उ री। अब खास बात देखना मित्रों, इसे खड़ी पाई से दर्शाया जाता है, अर्थात जहां ये स्वर होंगे या जहां एक मात्रा लगेगी हम उसके ऊपर खड़ी पाई लगाएंगे। अगर खड़ी पाई लगा है तो इसका मतलब एक मात्रा। जैसे आइए कुछ हम प्रत्यक्ष ही उदाहरण लेकर के दिखाते हैं आपको, अनार। अब अनार में अ है, अ है ना, और अ की अ क्या है, ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा, एक मात्रा होती है, तो अनार में अ की कितनी मात्रा, एक। तो हम कैसे बताएंगे दूसरों को कि इसकी एक मात्रा है, तो अ के ऊपर एक खड़ी पाई लगा देंगे। अगर अ पर खड़ी पाई लगा दिया तो समझ लीजिए ये क्या हो गया, एक मात्रा। इसी तरह से इमारत, इमारत में छोटी ई है, छोटी ई की एक मात्रा होती है, तो उसके ऊपर एक खड़ी पाई। उल्लू, उल्लू में छोटा ऊ है, तो छोटे ऊ की एक मात्रा होती है, तो उसके ऊपर एक खड़ी पाई। इस तरह से जो है ध्यान रखें कि ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है, उसके ऊपर एक खड़ी पाई लगा दिया जाता है। नंबर दो, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, अब देखते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में कितना समय लगता है मित्रों, दो मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और कौन कौन से हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री, ए, ऐ, औ, ऐ, ओ, औ, ये क्या है, हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब आपके मन में एक बात जरूर उठी होगी, खैर आगे चलते हैं, पहले दीर्घ स्वर को यस से दर्शाते हैं, अर्थात जहां दीर्घ स्वर आया उसके ऊपर यस लगा देना है, और इस दीर्घ स्वर को गुरु भी कहते हैं। तो याद रखिए, ह्रस्व माने लघु, दीर्घ माने गुरु। ह्रस्व को खड़ी पाई से दिखाना है, दीर्घ को यस से। जैसे देखिए आम, आम। अब आम में आ है, आ की दो मात्रा होती है, तो इसके ऊपर हम यस लगा देंगे। ईख, ईख में बड़ी है, ई की दो मात्रा होती है, तो इसके ऊपर दो लगा देंगे। ठीक है, ऊन, ऊ की दो मात्रा होती है, तो इसके ऊपर यस लगा देंगे। तो अब इसका मतलब ये क्या है, दीर्घ स्वर। अब आपके मन में एक बात जरूर उठी होगी कि चलो यार इनको तो समझ लेंगे, देख लेंगे, ये बड़ी री कहाँ जाएगी। तो याद रखना मित्रों, बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में बड़ी री अलग से नहीं लिखी जाती, हम उच्चारण में अलग अलग करते हैं। जैसे आपको यहाँ एक शब्द लिखकर दिखाता हूँ, ध्यान दें, ये शब्द लिखा है अमृत। अब इस शब्द को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, अमृत, अमृत अर्थात जिसका अर्थ होता है सोम, पीयूष, अमी, मतलब जिसे पीकर आदमी अमर हो जाता है, और इसी को हम पढ़ सकते हैं अमृत, अमृत, मतलब एक बार री पर जोर देकर, एक बार री पर बिना जोर
दिए। जब अमृत कर देंगे तो अ माने नहीं, मृत माने मरा, अमृत माने जो मरा और अमृत माने सोम पीयूष अमी। तो हिंदी में बड़ी भी कहीं अलग से नहीं लगती, हम शब्द के उच्चारण के समय ही छोटी री और बड़ी री का निर्धारण करते हैं। तो ये रही जो है स्वर की मात्रा गणना। दो तरह के स्वर हैं, हर्ष्व और दीर्घ। हर्ष्व की एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा। एक मात्रा माने खड़ी पाई, दो मात्रा माने यश। अब चलते हैं व्यंजन की मात्रा गणना की ओर। व्यंजन की मात्रा गणना में पहला पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक व्यंजन देखिए एकदम स्पष्ट स्पष्ट मैंने एक एक पॉइंट लिखा, एकदम पढ़ते ही लेक्चर की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। प्रत्येक व्यंजन अपने मूल रूप में आधा होता है। आप जानते हैं कोई भी व्यंजन उसके नीचे अपने मूल रूप में आधा होता है, उसके नीचे हलंत लगा होता है। जब उसमें स्वर की को प्रविष्ट कराया जाता है तब वो पूरा हो जाता है और तब उच्चारण के योग्य हो जाता है। तो प्रत्येक व्यंजन अपने मूल रूप में आधा होता है और किसी भी आधे वर्ण, वो चाहे स्वर हो व्यंजन हो कोई भी हो, किसी भी आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक, अब देखिए व्यंजन स्वर से मिलकर पूरा होता है। व्यंजन कैसे पूरा होता है? स्वर, मैंने कहा ना कि व्यंजन अपने मूल रूप में आधा आधा, जैसे क के नीचे हलंत, ये व्यंजन है। लेकिन जब इसमें अ को समाविष्ट करा दिया जाता है तो दोनों मिलकर क बन जाते हैं और अब ये उच्चारण के योग्य हो गया। तो वही चीज है कि जब इसमें स्वर लगा होता है तब उसको जो है व्यंजन स्वर से मिलकर पूरा होता है। अतः व्यंजन में जो स्वर, गौर से यही एक लाइन समझिएगा मित्रों, व्यंजन में जो स्वर लगा होता है उसी की मात्रा होती है। मतलब व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, व्यंजन में जो स्वर लगा होता है उसी स्वर के हिसाब से उस व्यंजन की मात्रा लगाई जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, हमने बहुत सारे उदाहरण रखे आपके लिए। अब ये लिखा है क, क माने आधा क धन अ। अब इसमें आधे क की तो कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन अ क्या है? ह्रस्व है, ह्रस्व की एक मात्रा होती है, तो यही मात्रा बन जाएगी क की। अर्थात अ की एक मात्रा तो क की कितनी मात्रा? एक मात्रा। का, क में आ लगा है। अब देखिए जो है का माने आधा क धन पूरा आ, आधा क धन आ, तो आधे की तो कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा लगेगी। कितनी मात्रा लगेगी? दो। तो आ की दो मात्रा अर्थात का की दो मात्रा। इसी तरह से को, को माने आधा क धन वो, अब आधे क की तो कोई मात्रा नहीं होगी, वो की दो मात्रा होगी, तो को की कितनी मात्रा हो गई? दो। के आधा क धन ए, आधे क की कोई मात्रा नहीं, एक की दो मात्रा, तो के की दो मात्रा। तो इस तरह से आप ये देखें, आपने देखा कि किसी भी व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, उस व्यंजन में जो स्वर मिला होता है उसी स्वर की मात्रा लगती है। तो यदि किसी व्यंजन में ह्रस्व स्वर मिला है तो उस व्यंजन की एक मात्रा, दीर्घ स्वर मिला है तो उसकी दो मात्रा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, मात्रा गणना को आगे बढ़ाएंगे और फिर जो है मात्रा गणना समाप्त करके तब चलेंगे एक एक छंद की ओर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।